तो हमारे साथ भी फेल के तो इतने बड़े खून ही नहीं आएगी, अब इसको कटे है ना भाई, नहीं कर सकते ना, टेंशन नहीं, शेक हैंड्स, शेक हैंड्स। हेलो बाकी घर के सारे सोरे हैं, किदा कैंट हो सारे, सो कैंट ही रहने चाहिए। सो आज का व्लॉग है मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग, और देखो अब मैं आप लोगों की डिमांड पूरी कर रहा हूँ, आप लोग मेरी भी करो, इंस्टाग्राम पे मेरे 10K जल्दी से जल्दी करवाओ ताकि मैं स्वाइप अप वाला बोल सकूँ। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो वैभव जेरी के नाम से, और अगला व्लॉग किस टाइप का चाहिए उसका भी कमेंट कर देना। सो आज का व्लॉग आपकी डिमांड पे है, फुल डे रूटीन ऑफ माई डॉग्स, फुल डे रूटीन ऑफ माई डॉग्स विद मी। मैं क्या करता हूँ अपने डॉग्स के साथ, मेरे डॉग्स क्या करते हैं, क्या करते हैं मम्मी, उनको सुबह पत्थर तोड़ते हैं, जूस पिलाएंगे उनको हम सुबह एलोवेरा जूस पिलाएंगे। मम्मी यहाँ पे देखो अपना, मम्मी ले रहे हैं यहाँ पे एलोवेरा जूस और ये एंड ऑल, बहुत फिटनेस फ्री का है। सो यहाँ पे देखो ये भाई साहब पहले वेट में खड़े हैं, इनको पता है आए कितनी प्यारी लग रही है सुबह सुबह मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही है, सुथरी सुथरी। वो बैठा अपना गुंडा, गुंडे हेलो, अभी चलते हैं फिलहाल इनको लेके, चल भाई चल, अब देखना कैसे भागेगा, आ जा चल, आजाद हो गया जेल से। पहले जफर जाएगा, क्या बात है, सुबह सुबह पानी दे दिया, पहले जफर जाएगा फिर सुल्तान को लेके जाएंगे, चल बेटा चल, आ जा चल सुल्तान, आ जा जफर, चल चल चल, वेरी गुड। तो सुल्तान को लेके जाता हूँ मैं लीश के साथ, उस दिन रात को कोई नहीं था इसलिए ये ओपन गया था, अब ये जाएगा लीश के साथ, क्योंकि सुल्तान बोल, क्योंकि मैं सातवीं फेल हूँ, मैं 2-3 बार अटैक कर चुका हूँ बच्चों पे, इसलिए मुझे लीश के साथ बांध के ले जाया जाता है। सुबह के टाइम बेसिकली पापा उठते हैं इनको फ्रेश कराने के लिए, मैं नहीं उठता, तो मेरे को इनका सुबह का रिजाइम तो नहीं पता, मेरे को रात का पता है, लेट्स सी देखते हैं। सुल्तान भी देख रहा है सुबह सुबह कैसे उठ गया ये, मतलब मैं ग्रेट सक्सेस। सो बेसिकली आफ्टर अ गुड मॉर्निंग वॉक क्या होता है कि मैं तब तक जाग जाता हूँ, और उसके बाद जफर को आता है क्लिनजिंग टाइम। सो जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास 3-3 डॉग्स हैं, सो मैं बेसिकली इनके लिए बहुत कुछ देखता रहता हूँ, नेट पे सर्व करता रहता हूँ। सो ऐसे ही सर्व करते करते मेरे को मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग, इनकी नीड के अकॉर्डिंग मेरे को मिले ये पेट विट के वाइप्स। सो बेसिकली जितने के भी मतलब पेट पेरेंट्स हैं, पेट लवर्स हैं, जो भी ऑलमोस्ट 65% ऑफ द पेट पेरेंट्स जो यूज़ करते हैं वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनका 4-5 गुना ज़्यादा प्राइस होता है। बट जो पेट विट है यहाँ पे, पेट विट इज़ मेड इन इंडिया, यस पेटविट इज मेड इन इंडिया। एंड पेटविट की खासियत मैंने जो देखी है, जिस वजह से मैं इसको पहली बार यूज नहीं कर रहा, मैं इसको ऑलरेडी यूज करता रहता हूँ, आप देख सकते हो ये सारे के सारे ओपन है, और ये आई थिंक सो मेरा 3rd-4th पैकेज है जो मैं इनकी किट मंगवा रखी है, इनकी किट होती है ये पॉकेट कह सकते हो, आप इनको कह सकते हो पेटविट किट, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, जो और कंपनीज होती हैं उनके अंदर जो उनकी प्रोसेसिंग होती है काफ़ी ज़्यादा क्रुएलिटी वाली भी होती है, और उनके अंदर केमिकल्स एंड अनप्लीजेंट चीज़ें यूज होती हैं, एंड फ्रेग्रेंस डाली जाती है जो डॉग्स के लिए फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होती। बट जो पेटविट के अंदर है, देर इज़ नो केमिकल, देर इज नो फ्रेग्रेंस, ये बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है, एंड सबसे बड़ी बात इनके अंदर अल्कोहल नहीं है, इन वाइप्स के अंदर दे डोंट हैव अल्कोहल, एंड यस दे आर सेफ। इनके अंदर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, इनके अंदर यू कैन से एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ये सारे के सारे पीएच बैलेंस्ड हैं, वेगन है, क्रुएलिटी फ्री हैं, और सबसे खास बात ये सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं, ये डॉग्स और कैट्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो आप, और
6 वीक से अबव के लिए आप ये यूज कर सकते हो, चाहे वो किटन हो चाहे वो पप हो, 6 वीक एज से अबव हो तो आप उनके लिए यूज कर सकते हो. एंड ईच ऑफ द पेटविट इंग्रेडिएंट आर सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लोबल सप्लायर्स. एंड इनका जो प्लास्टिक होता है ये रीयूजेबल प्लास्टिक है, आपको पता हो. दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन WHO GMPA अप्रूव्ड प्लांट. फिलहाल है पॉ वाइप्स. पॉ वाइप्स की इनकी क्या खासियत है? पॉ वाइप्स के अंदर है एसेंशियल ऑयल लाइक जोजोबा ऑयल एंड यू कैन से ए सी. हियर वी हैव टू टेक द वाइप एंड पुट इट ऑन द पॉज. सो बेसिकली द पॉ वाइप कैन बी ऑल्सो यूज ऑन द नोज. आप इसको पॉ एंड नोज वाइप कह सकते हैं. और इसकी खासियत है इसके अंदर जोजोबा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा है एंड दे आर नॉन अल्कोहलिक. एंड ये आपके जो जैसे आपका बच्चा बाहर घूम के आता है मिट्टी में गंदे हो जाते हैं पंजे, घर के अंदर भी गंदगी हो जाती है. सो दे कीप देम सैनिटाइज, पाउडर फ्री एंड डर्ट फ्री. अभी देखो ये कैसे मजे से बैठ के अपनी मसाज करा रहा है, इसको बहुत पसंद है. आप देख सकते हो इस वाइप ने सारी की सारी डर्ट ले ली है. सो हियर सेकंड वन इज द ईयर क्लिनजिंग वाइप. इसके हम यूज करते हैं इनके ईयर क्लीन करने के लिए. एंड यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ऑर्डर, कोई स्टेन कुछ नहीं रहता. एंड देयर ईयर्स लुक लाइक दिस. अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेंगे, देखना. द पिंकिश ईयर्स. थर्ड वन इज द सैनिटाइजिंग एंड ग्रूमिंग वाइप्स. सो दे आर बेसिकली फॉर द होल बॉडी. आप इनको जैसे घूम के आते हैं बाहर मिट्टी में, लोटपोट हो जाते हैं, खेलते हैं, तो ये वाइप लेकर हम इनकी पूरी बॉडी पे इसको ऐसे कवर अप कर सकते हैं ताकि अगर कोई डर्ट हो, गंदगी हो, वो इजीली साफ हो जाए. अब जैसे देखो ये देखो इसके पंजे बेसिकली गंदे रहते हैं बिकॉज ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा डिग करता है, खड्डे बना देता है. सो इसको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे. मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. जफर इज इंजॉइंग हिज मसाज. सो द फोर्थ वन हेयर इज आई टीयर स्टेन रिमूवर वाइप्स. सबसे बेस्ट टाइम मेरे लिए बिकॉज अभी क्या हो रहा है, जफर की मैंने डिवॉर्मिंग भी कर रखी है, स्टिल उसके आई उसके स्टेन आ रहे हैं. सो उसको क्लीन कर देते हैं. ये देखो कैसे जेंटली मसाज करवाएगा ये अपने आईज को. सो आई थिंक दीज वाइप्स आर द बेस्ट सोल्यूशन वेन यू आर रनिंग लेट टू योर वर्क. एंड इनको नहलाना भी नहीं पड़ता, कॉमन सी बात है, रोज रोज नहीं नहला सकते. सो ये वाइप्स इनके पॉज, नोज, आईज एंड बॉडी एंड द बेस्ट पिंकी पिंकी ईयर्स इनको क्लीन कर देती है. इनमें से कोई ऑर्डर, कोई स्मेल, कोई डर्ट कुछ नहीं रहता इनके अंदर. और ये नॉन अल्कोहलिक है और बहुत ही अच्छी क्लिनजिंग करते हैं, फ्रेग्रेंस फ्री होती है. और यू कैन से आपके पेट को ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेगी. मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये वाइप्स. और मैं आई थिंक सो मैं इनके पेटविट के और भी प्रोडक्ट्स मंगवाने वाला हूँ यूज़ करने के लिए, वो मैं आप लोगों को अवेयर करता रहूँगा. अगर आपको ये वाइप्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ वहाँ पे, आप इन वाइप्स को ऑर्डर करो और मेरे कहने पर एक बार इनको यूज़ करके देखो. आई एम श्योर यू एंड योर पेट गोना लव इट. है ना सफर? 2000 years later. So यार एक छोटी सी नैप कह सकते हैं, एक डेढ़ घंटे की नैप लेके मैं उठ गया हूँ. और अभी पीछे आप देख सकते हो दादी जी जो है पाठ कर रहे हैं. और अभी भी मैं नहाया नहीं, मैंने ब्रश नहीं करा, कुछ नहीं करा. ब्रश मैंने शायद सुबह कर लिया था तो मैं सो गया था. मेरे साथ ये भाई साहब भी सोए पड़े हैं. ये अंदर आके सोता है एसी में, इसके एसी के बिना नहीं चलता, तो मेरा भी नहीं एसी के बिना चलता. अभी इनको रोटी खिलाने का टाइम. जफर चल आ जा, चल बेटा थोड़ा आ जा, आ जाओ रोटी खाएंगे, चलो चलो चलो. अब इसको पता है इसका ब्रेकफास्ट का टाइम है. ये ऐसे बम डिगी डिगी बम बम करके निकल जाएगा. देखो अपना दरवाज़ा खोल लेता है, बस इसको बंद नहीं करना आता. सो मेरी माता जी जिन्होंने सुबह सुबह आपको राम राम करी थी, एक्चुअली सुबह तो अब भी है बट वो मेरी सुबह जल्दी थी तो है ना, मम्मी तो डेली उठते हैं. सो फिलहाल आशिमा भी उठ गया एंड शी इज़ लुकिंग गुड इन माई टी शर्ट. तो अब ये देखो आज क्या है भाई, मैं बता दूँ. वैसे तो मैं इनको थोड़ी बहुत फीड डाल देता हूँ इनकी रोटी और मिल्क के साथ, बट आज वीरवार है और फीड के अंदर कहीं ना कहीं चिकन होता है या कुछ ना कुछ होता है, तो आज के दिन इनको फीड भी नहीं डलेगी. वैसे मेरे पास पड़ी है इनकी फीड और मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को गिफ्ट मिली थी, मैं वही दे रहा हूँ आजकल इन्हें. एंड आज इनको सिर्फ दूध और रोटी मिलेगी, वरना अगर आज थर्सडे ना होता तो मैं इनको दे देता. देखो इसमें है ना मीट एंड पम्पकिन एंड ऑल. तो थोड़ा सा परहेज रखते हैं यार, फिर घर को भी मान लेनी चाहिए, आप भी मान लिया करो. सो अब इनको दूध और रोटी डालेंगे. आशिमा इनका खाना तैयार कर रही है. देखो ये रहा, इधर रोटी निकाल दी आशिमा ने हॉट बॉक्स में से, कहा है ये रही रोटी इनकी. और इधर से अब दूध डलेगा, देखना मतलब 1 किलो का दूध तो ही निकल ही आता है हमारे घर में. सो अब इसको रोटी डाल लेंगे थोड़ी सी. So before that we put the milk. इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज रखा गया है बिकॉज जफर को बड़ी बाइट मिल सके. जफर खा ले, खा ले, खा ले. सो ये है फिलहाल सुल्तान का खाना. और इसकी देखो, इसकी लोमड़ी की सबसे गंदी बात ये है, ये बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं खाने को लेकर. देखो थोड़ी थोड़ी रोटी बची है ना रात की. सो फिलहाल डाल दी रोटी और अभी डाल रहा है दूध और अभी सुल्तान खा जाएगा. सुल्तान खा ले, चल
लोमड़ी वो ठहर के खाता है। और आप कोशिश क्या करो, जब आपका डॉग खाना खा रहा हो आप उसे थोड़ा सा ऐसे करो कि आपका डॉग एग्रेसिव ना बने। कि आधे डॉग होते हैं बाउल खिसकाने देते हैं, बट देखो सुल्तान बिल्कुल फ्रेंडली है, कुछ नहीं कहता, वरना दे तो काटते हैं ना भाई सुल्तान। क्या मैं सिर्फ बाहर वालों के लिए गुंडा हूँ, अपनों के लिए तो मैं एक नंबर हूँ। अभी उधर सफर खाना खा रहा है अपना, रांची में करे जा रही है, इसका क्या कर रही है, इसे पीछे वो लोग आया बम डिगी बम बम। सो ये अपना खाना एंजॉय कर रहा है, देखो हैप्पी वैगिंग द टेल, एंड वो अपना खाना एंजॉय कर रहा है, शिकारियों की तरह खाना खाता है वो चुपचाप। सो ये इनका ब्रेकफास्ट हो गया। 6.5 hours late. इस टाइम दोपहर के 4 बज रहे हैं, ये देखो ये हो गया दोपहर के 4, ठीक है। और अभी क्या है, अंदर सारे कमरे में सो रहे हैं, इधर दादी सो रहे हैं, इधर आई थिंक सो सुल्तान बैठा हुआ है। सुल्तान सो रहा था। आई थिंक हल्की सी बारिश हुई होगी तो इसको अंदर कर दिया था, और अभी यहाँ पे यार इस पर मस्त एंड पंखा चल रहा है। सो अभी अपन क्या करेंगे, वो देखो इनसिक्योर किड मेरा, इसने देखा सुल्तान के पास गया, मेरे पास नहीं आया, ये भी अंदर सो रहा था ए सी में दादी जी के पास। तो अभी को क्या है, फिलहाल अभी मैं लंच करूँगा, उसके बाद इनको देखेंगे। तो लंच में होने हैं चावल एंड भाई कड़ी, क्या बात। सो भाई मेरे तो कड़ी चावल दी बेस्ट फेवरेट है, दी बेस्ट। किस किस के हैं कमेंट करके बताओ। और जफर भी देखो कड़ी चावल खाने आया, कड़ी चावल खाने है बेटा। तो चल खाने है, मैं पहले अपना लंच करता हूँ, उसके बाद इनकी नेल की क्लिपिंग करेंगे, इसकी भी और सुल्तान की भी। मतलब कि यार कड़ी चावल का तो मैं दीवाना हूँ। A few inches later. So भाई मैंने अपना लंच तो कर लिया, मैंने आपको कहा था कि मैं नेल क्लिपिंग करूँगा, मेरे को थोड़ा थोड़े आती है करनी, थोड़ी थोड़ी का मतलब अच्छे से आती है करनी। आपके पास अगर डॉग हो तो आप ये ट्राई मत करना, ये जाके डॉक्टर से या आपके वहाँ पे क्लिनिक हो उन्हीं से करवाना, मैं बड़े टाइम से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चिपका रहता है तो ये ऐसे ऐसे करता है ना, फिर मेरे को पंजे लग जाते हैं। सो इसके लिए नेल क्लिपिंग ज़रूरी रहती है, देखना पड़ता है इसमें काफ़ी कुछ, ऐसे नहीं होता कि हाँ भी नेल पकड़ा और क्लिप कर दिया, इनका नेल कटर भी अलग से आता है। वरना जब नेल क्लिपिंग होती है ना डॉग थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो जाता है, देखो कैसे हो गया। सो डेड नेल्स हैं इसके, बिल्कुल गंदे हो रखे, जो इनको रिमूव करना जरूरी होता है वरना कीड़े पड़ जाते हैं इनके नेल्स में। सो यूजुअली जफर के ज़्यादा नेल्स में बढ़ने नहीं देता, क्योंकि मेरे को इसके साथ बहुत ज़्यादा खेलना आता है, तो इसके ज़्यादातर यही डेड सेल निकले हैं, जो अभी तक निकले हैं डेड नेल्स कह सकते हो। सो इसको हम फेंक देंगे, इससे जफर के देखो पॉज बिल्कुल क्लीन रहते हैं, है ना, क्लीन रहते हैं। अभी सुल्तान की करते हैं नेल क्लिपिंग, पहली बार कर रहा हूँ, देखते हैं पहले होती है या नहीं। तो हमारे सातवीं फेल के तो इतने बड़े नखून ही नहीं आएगी, हम इसको काटे है ना भाई, नहीं काट सकते ना क्या आप मेरे के नखून काटोगे काशे, मैंने पहले ही नहीं बड़े होने दिए, क्यों मेरे लोमड़ी, मेरा लोमड़ू। पर लोमड़ू के लिए एक चीज और जरूरी है, जो है इसके ईयर्स के अंदर छोटे छोटे टिक्स बैठ चुके हैं, सो उसको स्प्रे मारना जरूरी है, वरना ये कल को हमको तंग करेंगे। लेट जा, ये भी खेलता देखो, ये फुल बंदा बढ़िया है एंड स्टाइली जाए, बस ये दांत मारता खेलने में और कुछ नहीं करता ये इसको पकड़ ले, खोल मुंह खोल और मार बुड़का, अपना पंजे में दर्द होती है, हैं? अपना कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता हैं? गुंडे बच गया तू आज, ये अभी तक नहीं सीखा भाई, सिट डाउन, बैठ जा, तू बैठ जा,
बैठ जाओ, टेंशन नहीं, शेक हैंड्स, शेक हैंड्स, हेलो। दोनों भी आपस में निपटती। अभी देखते हैं, अगर मेरे को टाइम लगा तो इनको ऊपर छत पे लेकर चलेंगे, थोड़ी देर में शाम होने वाली है, वरना ओए नो, ये आपस में लड़ने लग गए थे। जा जा जा, चल जा, जा चल जा, जा जफर, जा 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 जा, जा। आपस में लड़ पड़ते हैं जायदाद के पीछे, इनकी जायदाद मैं हूँ, ओए ना इधर आ जा, ना मैं हूँ ना तेरे पास, बैठ जा ना, नो जफर जी, ये बहुत बहुत डरा डराता होता है, ये गुंडा है, गुंडा। बहुत अच्छे होते हैं जर्मन शेफर्ड, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड सुपर एक्टिव, कभी कुछ नवा चल ही रहा होता है। और इधर से आ गई हमारी हेलो वाली चाय। मैं इस मग की प्रमोशन इतनी कर दूंगा कि मेरे को इस मग की प्रमोशन आ जाएगी। आह मजा आ गया, क्या बात है। एक्चुअली पता है क्या, मैं बेसिकली ना मतलब शाम को इनको वो डेली फीड देता हूँ जो अंदर पड़ी है, बट आज मैं नहीं दे रहा क्योंकि आज वीरवार है। वीरवार और मंगलवार का हर फैमिली में आई थिंक सो परहेज करते ही होंगे, मैं तो कर लेता हूँ क्योंकि मेरे दादी मम्मा ना फिर यार गुस्सा हो जाते हैं, भाई तुम एक दिन का परहेज नहीं कर सकते। पता है कि हम उसमें अपने आप डायरेक्ट चिकन नहीं डाल रहे, बट वी नो कि फीड के अंदर चिकन और ये सब होता है, वो ऐसे सर्कमस्टांसिस में बनती है फीड, तो मैं आज नहीं डाल रहा। और कुदरती मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ तो आप ये सोच लो कि आज डाल रहे हैं, शायद हो सकता है दादी जी अभी ने रोटी डालें, ज़फ़र को नहीं डालता क्योंकि ज़फ़र मोटा हो रहा था, तो इसकी हमने दोपहर को जो मतलब हम इसको बोल देते हैं इवनिंग स्नैक हमने बंद कर दिया था ज़फ़र का, सुल्तान और हैरी को डलती थी जिससे सुल्तान भी थोड़ा हैवी हो गया है, भर गया उसका पेट उसकी बॉडी, ज़फ़र की बंद कर रखी है इसीलिए अभी थोड़ा लीन हो रहा है। और कुछ ही रात को वॉक वूक करता है ना अच्छी, तो उस करके इसकी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। ये बन गई इनकी मस्त सी फ्रूट चाट, आलू अच्छे से धो रखा है, इसका छिलक नहीं उतारते क्योंकि कहते हैं कि छिलक के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो ऐसे दादी हमारी इनकी फ्रूट चाट तैयार करती है, हैरी ने अपनी फ्रूट चाट खा ली है, अरे ये सुल्तान की है, डाल के मैं ही आ जाऊँगा, आप काट के दे दो एक मिनट, अभी नमक डालना है। अभी दादी ना मतलब इनका टेस्ट बड बना के रखती है, भाई फिक्के नहीं होना चाहिए खाना इनका, तो इसके अंदर दादी थोड़ी सी अजवाइन डालती है, अभी इनका पेट सही रहे, और थोड़ा सा नमक डालती है, ये हमारी दादी की ट्रिक है अपनी। सो ये फाइनली मिली है अजवाइन, और ये चाट मसाले की तरह इसके ऊपर नमक मैं डाल देता हूँ। लो ये भाई मेरे को कितना सुंदर सी बना दी इसकी मेज, चल इतना डालते हैं ज़्यादा नहीं होता, ये ऐसे मील बन जाती है इसकी। और सेम मील देखो हैरी खा के आराम कर रहा है, हैरी को वहाँ पे डाल ली थी, उसका बाउल वो पड़ा है वॉश बेसिन के नीचे। सो ज़फ़र को नहीं डालते क्योंकि ज़फ़र का वेट कम कर रहे हैं, ज़फ़र व्रत समझ के बैठता ना बेटा, सुल्तान को डालते हैं, इसको थोड़ा सा हैवी करना है हमने। सो यहाँ पे चली जाएगी सारी मील, ऐसे करके मील गई, इसमें से एक पोटैटो उठा लेंगे हम ताकि हमारे ज़फ़र का भी बेचारे का मन लगा रहे। सो गाइस फाइनली भी देखो यार, शाम को ऊपर नहीं लेके जाया गया डॉग्स को घुमाने के लिए, और मैं डेली लेकर भी नहीं जाता हूँ। देखो मैं सच वाला व्लॉग बना रहा हूँ कि डेली रूटीन क्या, रियली डेली रूटीन है, हम डेली ऊपर नहीं लेके जाते उन्हें, जस्ट वो पोर्च में घूम लेते हैं। मैं अपना वर्कआउट करके आ गया बढ़िया सा, अभी उनको है रात को डिनर खाना देने का टाइम, और जैसे मैंने बताया कि आज वीरवार है और मैं थर्सडे है, मैं उनको नॉनवेज वाली आइटम भी नहीं कोई डाल सकता, लाइक फीड नॉनवेज तो मैं वैसे डालता नहीं। सो अभी आशिमा उनको खाना डालने के लिए बैठी है, और इधर मैंने अपनी फिशेस को यहाँ पे मेडिसिन डाली हुई है, इनको दिक्कत हो रही थी काफ़ी, और ये रख रखा है आशिमा ने फूड, आप देख सकते हो यार कैसे ढक के रख रखा है हमने। तो इनको भी खाना डाल दिया, वो खाना शुरू हो गया वगैरह, मैंने को मारा गया लास्ट में, तो इनको खाना डाल दिया, इसके बाद इनको सैर पर लेकर जाऊँगा, और उसके बाद प्यारी से एंडिंग करेंगे व्लॉग की। बट जो इवनिंग वाली मस्ती आप इनकी देखना चाहते हैं, जो मैं इनको वीक में मंथ में एक दो बार करवाता हूँ, वो व्लॉग यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, जाके चेक कर लेना या चैनल पे चेक कर लेना। इवनिंग मस्ती करवाता हूँ मैं इनकी, हम छत पे जाके खेलते हैं, डेली नहीं खेलते तो डेली रूटीन में क्यों डालूँ, है ना। बट व्लॉग को अभी भी एंड तक देखना, ये रात को नाइट वॉक में डेली कुछ ना कुछ करते हैं। आज आशिमा मेरे साथ जा रही है, सो आशिमा सुल्तान को लेके जाएगी, ज़फ़र मेरे साथ जाएगा, मेरा आज्ञाकारी बच्चा। सागरे घरी बच्चे ने आज मेरे को उंगली पे यहाँ पे काटा, ये दिख रहा होगा हल्का हल्का, दिक्कत हो गया है। अरे मेरी प्यारी लंगी बुलेट, चल बेटा तू तो मेरी बुलेट है, तू मेरी मोटी बुलेट है, चल भाई लेकर आ तुम उसको, स्लो
हो गया, उसकी सीटियाँ बजनी शुरू हो गई। पकड़ के लाइए, बहुत जोर मारेगा सुल्तान। नौ, देखो कितना ज़्यादा जोर मारता है। देखो भाई साहब, चल ले चल चल चल, इसको यहाँ मैं क्यों नहीं आ रहा। जफर आ जा, जफर आ जा। ये पता नहीं साला कहाँ भाग जाता है। चल 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 चल, ओए नो, इसीलिए इन दोनों कट्ठे में जाते हैं। चल जफर आ जा, चल ऐसे में टाइट पकड़े इसको सुल्तान। सुल्तान साला गंदा सुसु कर लिया अपना। अब ये थोड़े थोड़े अलग अलग रहेंगे, ये इधर रह रहा है ना, वो उधर जा। चलो सो अभी इन दोनों को पानी दिया जाएगा इन इनके बाउल में, इसमें एक पानी उसमें एक पानी, दोनों पानी पियेंगे। फिर वहाँ पे सुल्तान का हम वो कूलर ऑन कर देंगे। अरे ये भाई साहब तो इसी में सोते हैं। सो भाई ये था एक फैंटास्टिक सा, एक डिसेंट सा और एक रियल और जेन्युइन वाला फुल डे रूटीन ऑफ माय डॉग्स। अगर आपको अच्छा लगा है, देखो आप लोगों की डिमांड पे बना था, तो इसको लाइक कर देना और कल्ला कल्ला बंदा इसको शेयर करे और कमेंट करे, क्योंकि ये मैंने पहली बार मतलब इतनी डेडिकेशन से बनाया है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मांग रहे हैं, तो उनके लिए बनाना चाहिए था। और लास्ट के कार्ड्स में मैं डाल दूंगा, या आई बटन पर चेक कर लेना, कार्ड्स में चेक कर लेना कि हम शाम को जो मस्ती करते हैं छत पे जाके वो हम कैसे करते हैं। वो एक ऑलरेडी व्लॉग बना हुआ है जो एक रियल व्लॉग था। आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फुल डे रूटीन में अगर ऐड कर देता तो एक फेकनेस हो जाती, वो सच्चाई नहीं आएगी। हम डेली नहीं खेलते, इतना टाइम नहीं दिया जाता अपने डॉग्स को, और भी बहुत काम होते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।